नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि और मैं एक रनर हूं। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कैसे करें चुनाव अच्छे शूज का रनिंग के लिए। देखिए दोस्तों, जब भी आप रनिंग के शूज को खरीदने जाते हैं किसी स्टोर में, तो आप स्टोर वाले को अपनी रिक्वायरमेंट साफ साफ शब्दों में बताइए। अगर आप रोड पर रनिंग करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेस रोड पर रनिंग करते हैं, तो आप उनको बोलिए कि हमें रोड पर लंबा दौड़ने के लिए रनिंग शूज़ चाहिए। बिकॉज़ हर तरह की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रनिंग शूज़ अवेलेबल होते हैं, ट्रेल रनिंग के लिए, रोड रनिंग के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए। तो स्पेसिफाई कीजिए कि किस कारण से शूज़ चाहिए, किस पर्पज़ से शूज़ चाहिए। अब दूसरी बात, रनिंग शूज़ में दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। पहला फीचर ये शूज़ आपके पैरों को प्रोटेक्ट करते हैं बाहर से पड़ने वाले जर्क और इम्पैक्ट से। जब आप दौड़ते हैं तो आप अपने पैरों से ज़मीन को बार बार हिट कर रहे हैं और ज़मीन आपके पैर पर इम्पैक्ट कर रही है बार बार, तो उस चोट से बचाव करते हैं ये जूते आपके। दूसरी चीज़, अच्छे रनिंग शूज़ आपके पैरों को अंदर से गद्दे जैसा एहसास देते हैं, कुशनिंग का एहसास देते हैं, प्रोटेक्शन मिलती है आपके पैरों को शॉक जो बाहर से आ रहा है उससे। तो एक अच्छे रनिंग शूज़ में ये दोनों ही फीचर्स होने चाहिए। पर आप कैसे तय करेंगे कि जो जूते आप खरीदने जा रहे हैं उनमें ये फीचर्स हैं या नहीं? एक आसान तरीका है, जब आप जूते खरीदने जाते हैं तो पहले आप उनको पहन के ट्राई कीजिए। पहनकर आप थोड़ा वॉक कीजिए स्टोर के अंदर। आपको अपने पैरों में सॉफ्ट कुशनिंग का एहसास होना चाहिए, अंदर से सॉफ्ट कुशनिंग का एहसास होना चाहिए। लेकिन आपके जूते बाहर से सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। अगर आप उनको ऐसे फील करें तो वो स्टर्डी, स्ट्रांग फील होने चाहिए, ना कि सॉफ्ट। अब एक बात और, जब हम दौड़ते हैं तो हमारे पंजे फैलते हैं दौड़ते समय, तो आपके जूते के अंदर इतनी जगह होनी चाहिए कि वो फैलते हुए पंजों को अपने अंदर समाए सकें। मतलब स्पेस कमी नहीं होनी चाहिए उनके अंदर। तो होना यूँ चाहिए कि जैसे ये जूता है आपका, आपने जूता पहना तो पैर और जूते के बीच में एक अंगूठे के बराबर की दूरी होनी चाहिए। तो ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब आप अपने साइज से एक नंबर बड़ा जूता पहने। अगर नॉर्मली आप 6 नंबर का जूता पहनते हैं ऑफिस जाने के लिए, स्कूल कॉलेज जाने के लिए 6 नंबर का जूता पहनते हैं, तो रनिंग के लिए आप 7 नंबर का जूता पहने। अब एक आखिरी बात, कैसे जानेंगे आप कि आपको अपना रनिंग शूज बदलने की ज़रूरत है, उसको रिटायर करके नया खरीदने की ज़रूरत है? पहली बात, आपके जूते में ना पुराना होने की निशानियां दिखनी चाहिए। जैसे इसका जो सोल है घिसने लगा, कहीं कहीं पे क्रैक आ गए, पुराना दिखने लगा। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, अगर दौड़ते हुए या दौड़ने के बाद आपको दर्द हो घुटनों में, एड़ियों में या एंकल में, हील में दर्द हो। सेकेंडली, अगर आपको अपने टोज में, पंजों में रेडनेस, स्वेलिंग या ब्लिस्टर्स आने लगे रन करने के बाद, तो इसका मतलब है कि आपका जूता पुराना होने लगा है, वो आपको अब प्रोटेक्शन नहीं दे रहा है। तो ऐसे होने पर आप उन्हें बदलिए। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।